बंगला बगीचा की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार ने भाजपा पर बंगला बगीचा समस्या समाधान के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि कानून के नाम पर सिर्फ लीपापोती भाजपा नेता द्वारा की गई है। शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी समस्या यानी बंगला बगीचा की समस्या को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों संघ नीमच विधानसभा प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं ने बंगला बगीचा समस्या को और जटिल बनाने और समस्या को खत्म करने के नाम पर शहरवासियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के समक्ष विधानसभा प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार ने कहा कि भाजपा बंगला बगीचा समस्या के लिए कानून 2016-17 में लेकर आई, लेकिन वह कानून शहरवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। शहर में बंगला बगीचा की समस्या से करीब 10,000 से अधिक लोग पीड़ित हैं, लेकिन भाजपा द्वारा समस्या के समाधान के नाम पर कुल 300 लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए, जिसमें से भी 245 लोगों का इस योजना का लाभ मिला। बंगला बगीचा भूखंडों पर 1% की जगह 3% शुल्क आवेदकों से वसूला जा रहा है। यह जेबों में डाका डालने के समान है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए भाजपा लेकर आई थी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शहर की जनता को इस जटिल समस्या से राहत दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़, पूर्व जिला अध्यक्ष नंद किशोर पटेल, ब्रजेश सक्सेना, हाजी बाबू सलीम सहित कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो एक बगला बगीचा है, चाहे नामांतरण वाले मृतक नामांतरण हो, इन सब बातों को लिए हमने एक आपके माध्यम से एक जनता से अनुरोध किया है कि हम अगर सत्ता में आए और यहाँ से अगर विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधि पूछा, हमने सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में यहाँ की जो बंगला बगीचा समस्या है, जो 2016-17 में कानून गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें वो जनता के विश्वास पर वो कानून खरा नहीं उतरा, उसमें जनप्रतिनिधि कहीं सोए रहे, और उसके बावजूद भी अगर कानून बना, आप समिति में सदस्य थे, उसके बाद बड़े बड़े जो भूखंड हैं उसके प्रतिनिधि मंडल ने CM से मिले, तो क्या आप उस दिन सो रहे थे? फिर आपको मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? दूसरी बात, 10,000 लोगों की एक समस्या है, 10,000 लोगों की समस्या के बीच उसमें से आवेदन मात्र प्राप्त होते हैं 300, जिसमें से 248 या 244 लोगों को लाभ मिलता है, तो इससे ये माना जाएगा कि उस जो कि जब भी जमीन और भूखंड वाला मामला है, लाइनें लग जाना चाहिए, उसके बाद भी केवल मात्र 248 लोगों को उसका लाभ मिला, और जो एक वो जो टैक्स वाला जो मैटर है 1% से 3% बनाया है, वो लाखों करोड़ों रुपये में बन रहे हैं, तो ये जो जनता की कमाई है, खून पसीने की, वो केवल उनसे उनकी जेब से डाका डालना है, इस भ्रष्टाचार की खेल खेलना है, इन सब बात, क्योंकि उसका निराकरण हो जाएगा तो उसके भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, और ये जो कानून बनाया है अब गुजर नोटिफिकेशन, हम इसको सरलीकरण कराएंगे और जनता की मांग अनुसार उसका हम विधानसभा में बात करेंगे और उसको अमेंडमेंट। दूसरी समस्याओं के लिए तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, और 15 साल में इनने जो शहर की हालत ख़राब करी है उसको हम जनभावना के साथ सुधारेंगे, चाहे नाली हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, भ्रष्टाचार हो, और एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे ट्रैफिक का मामला हो, इन सब बातों में हम जनता के विश्वास में खड़े रहेंगे, और ये जो लूट पट्टी 15 साल की।